आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित आईएएस रामविलास यादव बुधवार को देहरादून विजिलेंस ऑफिस पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराकर दस्तावेज सौंपे हैं। इस मौके पर रामविलास यादव के वकील अभिनव शर्मा ने उनका बचाव करते हुए मीडिया को बताया कि रामविलास यादव को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि वह विजिलेंस ऑफिसर में जाकर अपने बयान दर्ज कराएँ और संबंधित दस्तावेज भी सौंपे हैं। इसी के तहत आईएएस विजिलेंस ऑफिस पहुँचे हैं। साथ ही कल हाईकोर्ट में विजिलेंस के भी पक्ष मांगाया गया है। गुरुवार को हाईकोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट में देखते हैं कि आखिर होता क्या है। रामविलास यादव पर जो आरोप लग रहे थे वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि कोई भी पत्र रामविलास यादव के पास नहीं पहुंचा है। उसका जवाब दिया गया। एक और सवाल पर कहा कि न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसकी पूरी तरह पालन किया जाएगा। उनको जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने जो है उनको आदेश पारित किया है कि उनको जो है उत्तराखंड या विजिलेंस में अपना बयान दर्ज करने हेतु और संबंधित दस्तावेज जो है उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, तो उसी के अनुपालन में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपको लगता है कि पूरा सहयोग करेंगे विजिलेंस के नाम पर? आज जब कोर्ट का निर्देश है और कोर्ट की शरण में, तो निश्चित रूप से जो है कोर्ट में जो है संपर्क किया जाएगा। जी अगर सही साबित जाते हैं तो बिल्कुल न्याय संगत जो भी आचरण होगा उसके ऊपर जो है कार्य करी जाएगी।